गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक पढ़ेंगे साइंस में, तो आप लोग दिल थाम के बैठिए और जो भी लोग हैं तो उन लोगों को शेयर कर दीजिए वीडियो। आज हम अपने थोड़ा मज़ेदार तरीके से क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा। एसएससी की क्लास में इसमें क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा। और ऊर्जा में सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। कौन सी गतिज ऊर्जा क्या है, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, बताइए इंग्लिश में। इसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी स्थित ऊर्जा को कहते हैं। और इसको जो भी कहते हैं, चलो इंग्लिश छोड़ो, अब क्या करते हैं हिंदी में पढ़ते हैं इसको, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा चीज़, पहली बात, गतिज ऊर्जा होती है किसी कार्य करने की क्षमता जो उसकी गति के कारण होती है, तो उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु द्वारा उसके कार्य करने की क्षमता जो उसकी गति के कारण होती है, उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। देखिए, जैसे किसी वस्तु, जैसे कोई पिंड है, पिंड मान लो, या ये रोड है, ठीक है, इस रोड पे कार है, कार थोड़ी चपटी हो गई, ठीक है, ये कार है। अब इसकी इसकी कार क्या होगा, इस कार का क्या काम होगा, इस कार का ये काम होगा कि इसमें जब अपन पेट्रोल डालकर, ठीक है, किसको पेट्रोल डालकर, मतलब सॉरी ज़्यादा डीपली में हो गए, जब इस कार में क्या करेंगे अपन लोग, ठीक है, जब इस कार में अपन लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करके जब इसमें गति की तरह पर भगते, मतलब उसमें इसका कार्य क्या, इसका कार्य है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। सबसे पहली बड़ी बात क्या होना, इसका कार्य क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान से पहुंचाना, इसका क्या है, कार्य है, इस कार का ये क्या है, कार्य। तो इसकी किस कार, ये कार किस प्रकार करेगी, गति के कारण करेगी, किसके कारण करेगी, गति के कारण। तो इसमें कौन सी ऊर्जा हुई, गतिज ऊर्जा हुई। क्यों, किसी वस्तु या किसी पिंड द्वारा उसकी गति के कारण, उसमें किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है, तो उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। या किसी वस्तु द्वारा उसकी गति के कारण होने वाला कार्य क्या कहलाता है, गतिज ऊर्जा कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी गति के कारण होने वाला कार्य क्या कहलाता है, गतिज ऊर्जा कहलाता है। इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं, अब इसी चीज़ का उदाहरण लेके आप चलिए, देखिए ये कार है, जब तक ये स्टार्ट होकर जब तक दूसरी जगह नहीं आएगी तो इसका कार होगा, नहीं होगा, इसमें कोई कार खड़ी रहेगी, खड़ी रहने दो, उसमें कोई स्थिर ऊर्जा कोई नहीं रहेगी। जब तक इस किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, एक बार आप पढ़ते हैं, जब तक किसी वस्तु द्वारा उसके कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है, तो उसे क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी अपना क्लियर। ठीक है, और जिन लोगों को डाउट्स है इसमें तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपको उसमें अच्छी तरह से बताएंगे। इसको कहते हैं मोमेंटम फोर्स, मोमेंटम एनर्जी, मोमेंटम मतलब मूव करना। ठीक है, इसमें क्या होता, अब एक बात देखेंगे, गतिज ऊर्जा प्लस द्रव्यमान ऊर्जा में क्या संबंध है, ऊर्जा में संबंध, सभी सब कुछ बताएंगे, अभी रुक जाओ आपको। ठीक है, कि इन चीज़ों में क्या संबंध है और इस चीज़ के संबंध को क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए। तो गतिज ऊर्जा को कैसे लिखते, ये रही गतिज ऊर्जा, ये 1/2 बराबर में 1/2 इंटू एम भी, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर, वेग का स्क्वायर क्या कहलाता है, गतिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, ऐसे इसको हो रही है 1/2 एम वी स्क्वायर, कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, कोई बात नहीं, आप क्या कहिए, इतना ही समझिए अभी कि इसमें 1/2 एम वी स्क्वायर क्या कहेंगे, ये इस किस्म से गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान ऊर्जा में क्या है, ये संबंध है। और यदि किसी पिंड में, किसी कोई पिंड है वो अपने स्थान पर, जैसे कोई ऐसा पिंड है, देखिए, ठीक है, जैसे कोई पिंड है ये, ठीक है, ये अपनी स्थान पर घूम रहा है, मतलब ठीक है, मतलब एक ही स्थान पर क्या कर रहा है, अपने अक्ष पर क्या कर रहा है, घूम रहा है, और यह अपने अक्ष पर ही कितना, देखना, यह अपने अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण इसका कितना है, एक है, इसका जड़त्व आघूर्ण कितना है, एक है, और इसमें कोणीय वेग कौन सा है, ओमेगा है। ठीक है, तो पिंड के लिए, या मतलब पिंड के लिए, या घूर्ण गति के लिए, घूर्ण
गतिज ऊर्जा ये कितनी होगी, 1/2 एम वी स्क्वायर, नहीं 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 एम वी स्क्वायर नहीं, एल ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये होगा इसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने परिधा घूम रहा है, तो इसमें कौन सा ओमेगा कोण बनेगा और कितने अपने परिधा कितनी मतलब उसमें रेडियस में घूम रहा है, तो उसको एल से प्रदर्शित करेंगे इस गतिज ऊर्जा में। इसी प्रकार से और कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसका मात्रक देखिए, कोई भी गतिज ऊर्जा का मात्रक आप समझ, एम बराबर क्या है किलोग्राम, और वी बराबर वेग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या इसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक जब आप, इसके मात्रक की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, फिर भी इसका मात्रक आपको आगे बता दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अपना गतिज ऊर्जा का टॉपिक ख़त्म हो गया। इसमें गतिज ऊर्जा के टॉपिक में कुछ ज़्यादा है नहीं था, मतलब कुछ ज़्यादा था ही नहीं इसमें, क्या समझाते इसमें, देखिए जो जो चीज़ था वो आप लोग को इसमें फिजिकल तौर पर समझा दी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और आप लोगों के लिए अच्छा सा पॉइंट, अभी आगे वाला पॉइंट और अच्छा सा पॉइंट है, शक्ति। शक्ति क्या है, शक्ति क्या है, देखिए शक्ति और पावर में कन्फ्यूज नहीं, ऊर्जा में कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऊर्जा अलग चीज़ है और शक्ति अलग चीज़ है, ठीक है। ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, करने की क्षमता क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वाट, अब वाट लगा देंगे उसे कहते हैं ना, तो वाट इसका मतलब यही होता, ठीक है, कि वाट लगा देंगे, तो इस वाट को लगा दिया जाए, ठीक है। अब क्या शक्ति के संग क्या लग गई है, वाट लग गई है, ठीक है, शक्ति के संग क्या लग गई, वाट लग गई। तो इस चीज़ को क्या करेंगे, अच्छे से और डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते, एक अश्व ठीक है, तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता, तो क्या वो घर के डॉगी भौंक रहे थे, तो इस चक्कर में जाके समझाना पड़ा कि भाई भौंको नहीं, हमें भी काम करना है, समझ गए, ठीक है। तो इसमें कितना होता, 746 वाट, 786 वाट नहीं दिखाना, ये बहुत लोग गलती करते हैं कि इसका क्या करते हैं, इसको 786 वाट लिखाते हैं, फिर उनका पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन गलत होता है। ये बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन है और चीज़ को आप लोग को गलत नहीं करना चाहिए। अभी अपना क्या होगा, शक्ति वाला चैप्टर, मतलब शक्ति जितना था उसमें निपट गया, जो आपके पेपर्स में आएगा और आने वाले, मतलब SSC का कोई भी पेपर्स हो उसमें, SSC के में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, सिर्फ शक्ति के बारे में। अब आपको क्या करते हैं, इसमें बताते हैं ऊर्जा, ऊर्जा क्या है, इसे कहते हैं एनर्जी। देखो स्थित ऊर्जा को कहते हैं स्टैटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी, और थोड़ा वहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी K बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, या K बराबर 1/2 I नहीं नहीं L ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वो तो सिर्फ चेंज हो जाएगा, सिर्फ प्रॉपर्टी चेंज होगी और उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऊर्जा, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, आप सबसे पहले पूछेंगे कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा देखिए, इसमें वैज्ञानिकों ने क्या किया था, इसको दिया था कि ऊर्जा संरक्षण का एक नियम दिया था, क्या दिया था, ऊर्जा संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे जैसे कि आप क्या बोलते हैं,
रनिंग करते हो, ठीक है, दौड़ लगाते हो, तो आप जब दौड़ लगाते हो तो ऊर्जा क्या होती है आपके शरीर से हीटिंग के फॉर्म में क्या होती है, निकल जाती है। फिर अब जब आप गर्मी है, गर्मी में बैठे हो आप, ठीक है, एसी से क्या किया आपने, ठंडी हवा ली, आपके शरीर से ऊर्जा निकली, निकली, आपने क्या किया एक गिलास पानी पिया, उसके बाद रनिंग की, तो पानी क्या हुआ भाप के फॉर्म में निकल गया। और जैसे कि आपने हीटर होता है, हीटर उसको जलाया, बिजली से जलाया, बिजली क्या है एक ऊर्जा है, जब आप हीटर जलाओगे तो हीटर का क्या होगा वायर में हीटिंग होगी, तो हीटिंग क्या होगी वो एटमोसफियर में चली जाएगी, तो वो भी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या होगा ट्रांसफ़र हुआ, बिजली, बिजली को जैसे आपने पंखा चलाया तो किस, देखो बिजली से पंखा चलाया किस रूप में हो गया, वो हो गया इलेक्ट्रिक फॉर्म से क्या हो गया उसमें क्या बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी में, देखिए हवा देगा आपको, ठीक है, विंड फॉर्म में हो गया, ठीक है, ऊर्जा। और जैसे क्या होता है कि आप लोग जैसे खाना खाते हो तो आपके अंदर ऊर्जा आती तभी आप काम करते हो, ठीक है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र किया, ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये किसके, ये मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है। और इस ऊर्जा संरक्षण के नियम में देखिए और बताते हैं आपको, 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 किलो वाट घंटा या 1 किलो वाट, 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होगा, देखिए ये होगा 3.6 × 10⁶ जूल, ऊर्जा को क्या कहते हैं जूल कहते हैं, ठीक है, 1 किलो वाट घंटा बराबर, 1 किलो वाट घंटा बराबर ये होगा। और सामान, हाँ इसमें एक चीज़ और भूल गए कि मनुष्य की, मानव होता है ना मनुष्य की, कि सामर्थ्य कह लो चाहे शक्ति कह लो कितनी होती, 0.5 से 0.01 अश्व शक्ति, मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है जो घोड़ा होता है तो उसकी पैरों में होती सबसे ज़्यादा क्या होती है पावर्स होती है। जैसे कि कभी घोड़े को पीछे से किसी ने अगर पकड़ने की कोशिश की उसने लात मार दी तो वो इंसान ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक से मर जाएगा, अगर उसके सीने पर लात लगी तो ऑन द स्पॉट क्या होगा वो ख़त्म हो जाएगा, उसको कोई बचा नहीं सकता क्योंकि उसकी पावर इतनी है, ठीक है। तो अश्व शक्ति में आप समझ गए होगे और इसको भी समझ गए हो कि 1 किलो वाट कि 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, दाब, क्या इसके अंदर प्रेशर है, प्रेशर कुकर नहीं, प्रेशर कुकर ए मतलब सॉरी प्रेशर कुकर नहीं सिर्फ प्रेशर, यहाँ क्या डालेंगे बोलो प्रेशर, अपन क्या करते हैं बोलो डायरेक्ट क्या करते हैं पॉइंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ डालते हैं प्रेशर या दाब। दाब क्या होता, किसी सतह पर, किसी सतह पर देखिए क्या हम बताते हैं किस तरह सतह, जैसे कि कोई सतह है, इस पे कोई दाब लग रहा एकांक क्षेत्रफल मतलब जो 1/1 की है, मीटर में मान लो नहीं तो सेंटीमीटर में मान लो जैसे आपको, तो इसकी हर सतह पर क्या लगेगा दबाव लगेगा, किसके द्वारा वायुमंडल के द्वारा, इसकी हर सतह पर क्या लगेगा दबाव लगेगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे किसी सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला दबाव, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, एकांक क्षेत्रफल पर देखो छोटे से छोटे स्टार्ट पॉइंट में हम याद करेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल किस पे, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं दाब कहते हैं, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे दाब कहेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है पी बराबर प्रेशर पी, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला तो बल अपॉन ए, ये इसका क्या है इसका फॉर्मूला, ये बल, ये एकांक क्षेत्रफल, ये दबाव, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होगा एसआई पद्धति में, इसके दो मात्रक होंगे, देखो एक न्यूटन मीटर स्क्वायर का, न्यूटन अपॉन मीटर
स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा या पास्कल। सही तरीके से ऐसे लिखा जाता है पास्कल को, ठीक है। किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहेंगे, दबाव कहेंगे, ठीक है। वायुमंडल में दबाव 1.01 × 10³ है पास्कल में, ठीक है। और इसमें बस इतना ही क्या है, और इसमें कुछ और है नहीं। और देखिए हाँ, इसमें थोड़ी चीज़ और हैं, दो तीन चीज़ें, जो पारा है ना, पारा से क्या बोलते हैं, जो पारे से जो पारा द्वारा पारे से जो वायुमंडल दाब ना पाता, वायुमंडलीय दबाव के लिए इसके वो लिख लीजिए कि इसको किस किस के उस पर फॉर्म में, मतलब पारे द्वारा जो वायुमंडल का दबाव नापा गया था ना, तो उसको किस तरह से नापा गया था, ये चीज़ आपको थोड़ा सा लिखवा देते हैं। इसमें 76 स्तंभ पर 76 सेंटीमीटर वाले एक स्तंभ पर क्या किया था, 0° सेंटीग्रेड पर 45° अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया था, तल पर लगाया था। मतलब आप लोगों से कहा जाए, कभी पूछा जाए कि पारा होता है, जो पारा उसके द्वारा जो वायुमंडल दाब नापा, तो उसमें टेम्परेचर कितना था, तो आप क्या कहोगे, 0° सेंटीग्रेड पर, कितने 0° सेंटीग्रेड पर ये 76 सेंटीमीटर क्या हुआ था, ये पारा चढ़ा था, ठीक है। और इसमें 45° अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया हुआ था। मतलब इतनी डिटेल फॉर्म में आप लोगों को पूछा जा सकता है कभी भी क्वेश्चन, ठीक है। और ये वायुमंडलीय दाब था कितना, ये भी आप लिख लीजिए, ये था इसमें 10³ × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए इसको या तो सब लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1.013 × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा, ये दो तरीके से लिखा जाएगा, आपको ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, तो ये दोनों चीज़ सही है। आप ये नहीं कहो कि ये गलत है या वो गलत है, ठीक है। ऊपर जाने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घटता है, और नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। मतलब अगर आप धरती के केंद्र पहुँचोगे तो आप पहुँच नहीं पाओगे, पहले निपट लोगे। समुद्र के अगर आप 1 किलोमीटर नीचे चले गए, 1 किलोमीटर हाँ 1 किलोमीटर नहीं हाँ 1 किलोमीटर आप चले गए, तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब इतना अधिक हो जाता है कि आपकी सारी नसें फट जाएंगी, ठीक है। आपका दिमाग से प्रेशर से दिमाग ही फट जाएगा वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे स्क्रू ड्राइवर वगैरह जिस मतलब ज़्यादा दूरी के लिए क्या करते हैं, सूट का इस्तेमाल करते हैं, सबमरीन वगैरह, इन सब में क्या होता है, बहुत तरीके से दाब होता है, ठीक है। इतना दाब होता है इनमें, इतना दाब होता है कि मतलब अगर कोई इंसान बिना दाब के, मतलब बिना किसी सूट के निकल जाए, तो उसको पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ फट गया। इतनी कस के दाब होता है, सर मर हाथ पैर सब नसें फट जाएंगी, उसको ही पता नहीं चलेगा, वो सांस लेने से बाद में मरेगा, पहले दबाव से ही फट जाएगा वो, ठीक है। तो प्रेशर से ही फट जाएगा वो, ठीक है। इतना प्रेशर बॉडी के ऊपर पड़ता है, प्रेशर दबाव मतलब उसको पिचका देगा ऐसे, चिप सांस से बाद में मरोगे, पहले दबाव से ही मर जाओगे, ठीक है। ऐसे तभी इसके लिए दबाव के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, तो आप लोग देख सकते हैं। और हमारे शरीर पर ही इतना वायुमंडल दाब होता है, ठीक है। और सोचिए अपने ऊपर इतना इतना वायुमंडल दाब पड़ता, कितना पड़ता, देखिए अगर इसको नंबर्स के फॉर्म में करें तो देखिए कितना होगा, 1.03 × 10³ न्यूटन मीटर्स का इतना दबाव पड़ता है अपने शरीर पर, ठीक है। मगर ये शरीर पर इसलिए पता नहीं चलता है ये वायुमंडल दाब इतना है, क्योंकि अपने शरीर में रक्त वाहिनियों और क्या बोलते हैं अंदर की जो अपने शरीर में रक्त होता है, वो भी क्या होता है, इतने ही प्रेशर पे क्या होता है,
चलता है, मतलब एक तरीके से बाहर अंदर से भी अपने प्रेशर है, इसलिए बायोमेडिकल दाब अपन को क्या लगता है, समान लगता है और अपन हाथ पैर हिला सकते हैं या किसी भी प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं। फिर भी अगर एक तरह से कहा जाए तो ये बहुत ज़्यादा है इंसानों को, तभी तो जो क्या बोलते हैं पानी वाले जीव होते वो रह नहीं पाते हैं, ठीक है इसमें, क्योंकि उनका दबाव कम हो जाता है, पानी में दबाव थोड़ा ज़्यादा होता है, पानी से ऊपर जीवों का दबाव थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, सघन क्षेत्र मतलब ये विरल क्षेत्र हो जाता है, ठीक है, वो सघन क्षेत्र रहता है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो मर जाते हैं, तो अपन अगर पानी में जाएंगे तो अपन ख़त्म हो जाएंगे, वो अपन ऊपर आएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, तो इस तरह से क्या होता है संतुलन बनाने के लिए इस तरह का बनाया गया है, ठीक है। अपने में शरीर में क्या होती है रक्तवाहिनियाँ होती, जो जलीय जीव होते हैं उनके शरीर में रक्तवाहिनियाँ नहीं होती इतनी, उनके शरीर की रक्तवाहिनियाँ बहुत मतलब क्या बोले तो मतलब इंसानी शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, ठीक है, तो इसलिए वो मर जाते हैं। कुछ जीव होते हैं जो पानी पानी के अंदर पानी बाहर रहते हैं, जैसे कि कछुआ, ठीक है, कुछ चिड़ियाँ होती हैं है ना जो पानी के अंदर शिकार करती हैं, मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो पृथ्वी के ऊपर जीव रह रहा है तो वो क्या करता है वो वायुमंडल दाब झेलता है, और जो पानी के अंदर रहता है वो और ज़्यादा है, हम लोगों से भी ज़्यादा प्रेशर झेलता है, मगर वो जीव के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस इलाके में कितनी गहराई पर रह रहा है, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में नोटिस किया जाए, ठीक है। और अब क्या है इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है, अब क्या होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ना अपन को, आर्किमिडीज का, ठीक है, ये क्या है आर्किमिडीज का क्या है सिद्धांत है, ठीक है, तो इसमें क्या चीज है आर्किमिडीज के सिद्धांत में कि ये बोलते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत, ये कुछ ज्यादा गैप हो गया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, गैप वाली बात, जैसे कि कोई वस्तु है, देखो आपको समझाते हैं, ठीक है, दिखाते हैं समझाते हैं, देखिए पतवार होते हैं बेचारा चलाएगा कैसे, ठीक है, ये क्या हुई, ये एक नाव है, तो जब ये नाव पानी में जाएगी तो ये अपने भार से मतलब क्या करेगी, ये क्या करती है जब किसी पानी में क्या होता है किसी नाव को उतारते हैं तो उसके भार में कमी आ जाती है, ठीक है, तो उसके भार में जो कमी आती है और उसके द्वारा जो हटाएगा पानी मतलब जो आप उसके द्वारा उसमें थोड़ा देखिए जब नाव को पानी में लगेगा तो ऐसा नहीं है वो पानी के ऊपर ऐसे करेगी नहीं हम तो ऊपर ही जाएंगे, थोड़ी झुक जाती है वो पानी के अंदर थोड़ी धस जाती है और जिसके अंदर से पानी उसका क्या होता है नाव का भार कम हो जाता है। एक बार समझाते हैं, जब कोई नाव है ठीक है तो उसको जब पानी में डालते हैं तो उसका क्या होता है उसके द्वारा हटाया गया पानी का भार और नाव के द्वारा घेरे गए स्थान का भार क्या होता है समान होता है, ठीक है, क्या होता है उन लोगों का कि जैसे कि कोई नाव है वो क्या होती है पानी में चल रही है तो उसके द्वारा जो पानी में जितनी नीचे वो सेंटीमीटर गई होगी और उतना पानी जिसने नाव ने हटाया होगा, ठीक है, जितना पानी नाव के वजन से हटा होगा तो वो नाव के वजन में क्या होता है आंशिक रूप से कमी कर देता है, वो जो आंशिक रूप से कमी करता है जिस कारण वो डूबती नहीं है, ठीक है, और अगर हटाया गया पानी और उसके नाव के भार से कम हुआ तो वो नाव डूब जाएगी, ठीक है, जैसे कि आप एक ऐसे समझ लो इसके द्वारा इतना पानी हटाया गया तो जिसके नाव में क्या होगी भार में क्या होगी कमी आ गई, ठीक है, उसी को कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, किस तरीके से जो नाव के भार में जो कमी आई ना तो उसके हटाए गए पानी के भार के बराबर होगी, ठीक है, क्या होगी नाव के द्वारा हटाए गए पानी का भार और नाव के वजन में आई कमी के बराबर होगी, ठीक है, जैसे कि आप ये देख लीजिए जैसे कि
जैसे कि ये वस्तु है, ये कब तक नहीं डूबेगी? और देखिए ऐसे दिखाते हैं हम आपको, 3 2 1, ये तैर क्यों रही? क्योंकि इसके द्वारा जो पानी हटाया गया वो इसके भार में आई कमी के क्या है, बराबर है, ठीक है। और ये आधी क्यों डूबी, क्यों डूबी? इसलिए डूबी क्योंकि इसने इसके द्वारा जो पानी हटाया गया वो उसके भार के थोड़े सा ज़्यादा है, ठीक है। उसके भार से क्या है, इसका भार ज़्यादा है, उस पानी को हटाए गए पानी से ज़्यादा है भार, तो ये थोड़ी डूबे। इसका भार सबसे ज़्यादा है, मतलब जिसने जो पानी हटाया उससे भी ज़्यादा इस वस्तु का भार है, तो ये क्या हुई, डूब गई, ठीक है। इस तरीके से हम आपको समझा सकते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत को, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो वस्तु के कब डूबती है और कब तैरती, इस चीज़ को बताया गया आर्किमिडीज के सिद्धांत में। जब कोई वस्तु द्वारा उसके द्वारा हटाया गया पानी उसके उसके वजन के बराबर हो, ठीक है, उसके वजन के बराबर हो तो वस्तु तैरेगी, और यदि उस वस्तु के द्वारा हटाया गया पानी उस वस्तु के वजन से थोड़ा सा अधिक हो, मतलब थोड़ा मतलब माइनॉरिटी फॉर्म में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, तो वस्तु आधी डूबी होगी। और यदि किसी वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके बाद है प्लावन का नियम, किसका द्वारा, प्लावन का नियम, इन्हीं के उसमें इसी के अंतर्गत है, उसी में आप बताते हैं हम आपको, किसका, प्लावन का नियम। ठीक है, प्लावन के नियम में क्या है, जब कोई वस्तु द्रव छोड़ती है, क्या होते हैं, जब कोई वस्तु द्रव छोड़ती है, वस्तु द्रव छोड़ती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। देखिए कौन कौन से क्या हैं, वो दो बल हैं, ठीक है, कौन कौन से आपके लिए वो दो बल हैं, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा ये क्लास कब ख़त्म होगी, ठीक है। फिर आप कहोगे ये क्या हो गया भैया, तो चले गए। देखिए इसमें क्या है, वस्तु के भार को नीचे की ओर, वस्तु का भार जैसे अपन इंग्लिश फॉर्म में है उसके फॉर्म में नीचे की ओर, जो है नीचे की ओर का साइन, ठीक है, और वस्तु का, वस्तु पर द्रव का उच्छेप F ऊपर, उच्छेप मतलब होता है बल। देखिए जब कोई वस्तु पानी हटाएगी तो वो नीचे की ओर खींचेगा, और जो पानी द्वारा फोर्स होगा, न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, वही लगेगा इसमें, सेम प्रोसेस है, बस इसमें उन्होंने क्या किया, नाम चेंज कर दिया, द्रव के लिए क्या, न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है, यही काम करेगा इसमें, और कोई काम नहीं करेगा। उसमें थोड़ा सा समझने वाली ट्रिक है इसमें, ठीक है, क्या है, थोड़ा सा समझने वाली ट्रिक है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ है कि जैसे कि कोई वस्तु का घनत्व, ठीक है, वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व पानी से कम होगा तो तैरेगा, तैरे तैरती है, ठीक है, ठीक है, और ज़्यादा होगा तो डूब जाएगी, ठीक है, और बराबर होगा तो आधी डूबेगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है इसमें कि आप वस्तु तैरेगी, मगर उसका क्या हो रही है, उस वस्तु का घनत्व, जैसे कि पारे का घनत्व पानी से कम होता है तो पारा पानी में तैरता है, और क्या बोलते हैं, लोहे का कील का घनत्व क्या होता है, पानी से ज़्यादा होता है तो वो लोहे की कील डूब जाती है, मगर एक विधि के माध्यम से क्या होता है, लोहे की कील को भी तैराया जा सकता है। आप पेपर लीजिए, ठीक है, आलपिन देखिए, आप आलपिन को क्या कीजिए, पेपर के ऊपर रखिए, और वो पेपर जैसे जैसे वो पानी में
डूब जाएगा, वो आल्बन उस पानी में रहेगी। उस चीज़ को हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में आप लोगों को समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक से और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी आपके दोस्त हों उन लोगों को भी सब्सक्राइब करने के बोल दीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। क्या कीजिए कॉन्टेंट को क्या है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री कॉन्टेंट मिलेगा तो बच्चों को क्या होगा थोड़े पैसे बचेंगे यार। उन लोगों को भी तो यार समझो करें कि आज पेरेंट्स पे इतना बोझ नहीं करना चाहिए, तो उन लोगों क्या होंगे थोड़े से पैसे बचेंगे और वो अपने थोड़ा और भविष्य के लिए अच्छे से सोच सकते हैं और अच्छे से अच्छे जो नोट्स या क्लासेस या जो बुक्स हैं तो वो लोग खुद प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो आप मतलब कोचिंग्स वगैरह में मतलब इतना पैसा और इतना टाइम वेस्ट करते हैं तो आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। ये पता है घर पे बैठ के पढ़ाई किसी से नहीं, मगर रिवीजन के फॉर्म के तौर पर आप कर सकते हैं, ठीक है इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और जो लोगों के लिए मैसेज है वो सिर्फ यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके जरूर जाएगा। आप लोग कॉन्टेंट देख के लाइक नहीं करते हो, ठीक है तो लाइक करके जरूर जाएगा। तो आज की क्लास इतनी ही।